क्या टाइम आ गया है ना, कल रात को सोते सोते मुझे काफ़ी लेट हो गया। मुझे अच्छे से याद है मेरे रूम की विंडो से सनलाइट आनी शुरू हो गई थी। बहुत कोशिश करी, पता नहीं कब नींद आई, बट इतना पता है भी दोपहर में 4 बजे उठाऊँ एंड आई एम हैविंग माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, दलिया, थोड़ा सा मिल्क, शुगर और कुछ किशमिश, खाइंग दलिया, वॉचिंग न्यूज़। आज दिल्ली में थंडरस्टॉर्म भी आया और अर्थक्वेक भी आया। थंडरस्टॉर्म का तो मुझे पता चला क्योंकि काफ़ी तेज़ आवाज़ें आ रही थी, बट अर्थक्वेक का बिल्कुल पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही हैं। खैर, थंडरस्टॉर्म की वीडियो मेरे एक नून ने रिकॉर्ड करी है, मैं आपको दिखाता हूँ विद ओरिजिनल साउंड। क्योंकि मैं लेट उठाऊँ इसलिए मेरे पास टाइम कम है और काम बहुत सारे हैं, इसलिए मैं फटाफट से रेडी होता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। मेरी लास्ट वीडियो को आपने इतना पसंद किया उसके लिए दिल से थैंक यू, और जिन लोगों ने भी लाइक और कमेंट किया उनको डबल थैंक यू। वैसे मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि मैं जो भी अपनी वीडियो में कंटेंट डाल रहा हूँ उसका 50-60% पार्ट आपको पसंद आए, बट आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में मेरी कोशिश रहेगी कि इस परसेंटेज को मैं आगे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँ। और अभी जाना है मुझे नीचे क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरी बाइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो लेट्स सी, मेरे पास चार्जर है मैं उससे चार्ज करके देखूंगा, अगर स्टार्ट हो जाती है तो गुड, अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ और ही है। ये मेरे पास एक बैटरी चार्जर है, अगर आप भी मेरी तरह एक सुपर बाइक ओन करते हो तो इस तरह का चार्जर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। बैटरी को भी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे तक मैं आराम से बैठूंगा, 3 घंटे बाद आके देखूंगा इसकी चार्जिंग होती है या नहीं होती है। ये कुछ इस तरह का चार्जर है मेरे पास, ये 12 वोल्ट बैटरी के लिए, ये 6 वोल्ट बैटरी के लिए, और ये न्यूट्रल है। 12 वोल्ट वाला जो है वो बाइक में प्लस में लगता है और न्यूट्रल वाला जो है वो माइनस, और ये मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पर अपनी बाइक की बैटरी में, प्लस वाला प्लस में, माइनस न्यूट्रल वाला माइनस में। तो 3 घंटे बाद आके देखता हूँ कि इसकी बैटरी चार्ज होती है या नहीं होती है, ऑब्वियसली सेल्फ मारने के बाद ये पता चली जाएगा। 3 घंटे हो चुके हैं, आई होप मेरी बाइक की बैटरी चार्ज हो गई हो, अगर नहीं हुई है तो आई एम इन बिग ट्रबल, क्योंकि ऐसी सुपर बाइक्स में अगर कुछ खर्चा आता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो पहले मैं इसकी वायर्स को निकालता हूँ और फिर उसमें सेल्फ दे के देखता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मैं अपना हेलमेट तो लेकर आया नहीं हूँ, बट मैंने कुछ जुगाड़ से अपने कैमरे को आगे फिट कर दिया, देखते हैं सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। आई एम सॉरी, ये कैमरा थोड़ा शेक करेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर कुछ रिकॉर्ड हो जाए। वैसे तो मैं अभी अपने एरिया में ही हूँ, बाहर मेन रोड पे नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ऐसे चेक करने आया था, मे भी शायद बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए इसकी और इसी बहाने थोड़ी सी चल भी जाएगी। कैमरा काफ़ी शेक कर रहा है इसका,
आई होप इसका स्टेबलाइजेशन वर्क कर रहा हो ठीक से और इसकी शेकी वीडियो को थोड़ा संभाल ले। एक घंटे चार्जिंग पे और लगाऊंगा इसे ताकि अगर कुछ कसर रह गई हो चार्जिंग में तो वो पूरी हो जाए। वापस कॉलोनी में अंदर आ गया ना तो ये हो गया कि मेरा छोटा सा राउंड, अब इसको वापस खड़ी कर देते हैं। मज़ा आ गया बाइक चला के, वैसे इतना लंबा राउंड नहीं था बट इतने टाइम बाद बाइक चलाई है कि जो सेटिस्फेक्शन होता है दिल को वो थोड़ा सा मिल गया। अब यहाँ से जाऊँगा मैं एक अपने रिलेटिव के यहाँ जिनका सामने ही आगे बिल्डिंग में घर है, और वो कौन रिलेटिव है वही जाके आपको बताता हूँ। अभी मैं आऊँ अपने मामा जी के घर पर। आपको आवाज़ आ रही है? आओ दिखाता हूँ। इस आदमी की हंसी को देखो, ये इतना हंस रहा है। नहीं, ये चिट्ठियां थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन की जाती है क्योंकि डाकिया नहीं आ रहे आजकल, तो चिट्ठियां कहां से आएंगी। लेकिन अच्छा कर रहा है। हां बहुत कर रहा है। एक गाना बोला था ऐसे कर कर के आपने बड़े गाने पेल दिए हमें। जब तक आप इसी डाटा चाहते तब तक पेलेंगे आप। ये वाला मुखड़ा, ये वाला अंतरा, यार ये धोखा देगा। मैं धोखा दे के आप पूरे गाने पे आ गए। आप घर वापस आके मैंने एक मस्त सी कॉफ़ी पी, आधे घंटे रेस्ट किया और अब मेरा टाइम है वर्कआउट करने का। वैसे मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है क्योंकि शेड्यूल पूरा चेंज हो चुका है, बट आज मेरा रिलैक्स डे है और कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट मैं ज़रूर करूँगा। लेग वर्कआउट जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बॉडी में एक तरह के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। डेली लाइफ के अंदर हम जो भी उल्टा पुल्टा खाते हैं या जो भी हमारी बैड हैबिट्स होती हैं उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं या वो इम्बैलेंस होता है, इसकी हेल्प से हम उसको बैलेंस कर पाते हैं और ये बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ये वर्कआउट जो है लेग्स का वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हर किसी को मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा बहुत टाइम अपने लेग्स वर्कआउट में भी दिया करें, और इससे ज़्यादा अगर आपको हार्मोन्स वगैरह के बारे में जानना है तो लेग्स वर्कआउट से क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं या क्या बेनिफिट होते हैं आप प्लीज़ गूगल कर लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल हम उसे कर नहीं पाते हैं,
अब जैसे कि काफ़ी लोग एक्सरसाइज के लिए एक्सक्यूजेस देते हैं, काफ़ी लोग किसी और चीज़ के लिए देते हैं, तो मैं ये नहीं कहता एक्सरसाइज करो, बट कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, इट कैन बी अ पेंटिंग, एक्सरसाइज और म्यूज़िक और सिंगिंग, कुकिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता हो, कुछ भी ऐसा जो आपका एक ड्रीम रहा हो, दिस इज़ द राइट टाइम। अभी आपका कोई टाइम टेबल नहीं है तो कभी भी किसी भी समय आप उसे करना चाहो आप उसे कर सकते हो। हाँ, अगर एक्सरसाइज की बात करूँ तो इंटरनेट पे एक्सरसाइजेस बहुत हैं, कुछ एक्सरसाइज कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होती हैं और कुछ ईजी होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको अच्छी लगे आप इंटरनेट से एक्सरसाइजेस देख सकते हो और कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज जो देखता हूँ वो इंस्टाग्राम से। हमारा प्लान था कश्मीर जाने का, बट वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हो गया था, रास्ता बंद हो गया था, इसकी वजह से जा नहीं पाया, एंड देन फिर ये लॉकडाउन। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव अ फोन चार्जर ऑन यू? नो सॉरी। वांट यूज माइन? यू श्योर? थैंक यू। जिन लोगों के पास नेटफ्लिक्स है उन्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग मनी हाइस्ट, और मनी हाइस्ट एक ऐसी सीरीज़ है, अगर आपने उसका एक भी एपिसोड देख लिया तो आगे के एपिसोड देखे बिना आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे। हर एक कैरेक्टर ने अपना रोल इतना अच्छा प्ले किया है, और प्रोफेसर तो ऐसा कैरेक्टर है कि आप उस पर पर्सनली बिलीव करने लग जाओगे, दैट ही इज़ योर ट्रूली गार्डियन एंजल। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला लाल सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Will I get the copyright claim for this music? Ciao, 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 ciao.